प्रणाम। भगवान की सबसे अनोखी संरचना ये मनुष्य है, जिसकी उत्पत्ति माता पिता के द्वारा होती है, परंतु इस दुनिया में कुछ ऐसे अभागे बच्चे भी होते हैं जिन्हें अपने माता पिता की कोई फिक्र ही नहीं होती है। दिन भर ऑफिस की थकान भरी जिंदगी में इतना खो गया है इंसान कि उसने अपने आसपास अपने माता पिता के साथ दो घड़ी बात करने का वक्त भी नहीं है। दुनिया में बहुत ही कम माता पिता ऐसे होते हैं जिन्हें भाग्यशाली बच्चे मिलते हैं। उन अभागे बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि दिन भर में उनके माता पिता को खाना मिला भी है या नहीं। कितने ही माता पिता वृद्ध आश्रम में रहने को लाचार हैं। कोई भी माता पिता अपनी मर्जी से वृद्ध आश्रम नहीं जाते हैं। वो कुछ अभागे बच्चे होते हैं जो कुछ दिनों का नाम लेकर उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ आते हैं, या कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो घर से परेशान होकर खुद ब खुद ही चले जाते हैं। जिस बच्चे के लालन पालन में अपनी पूरी जिंदगी में अपने सारे ख्वाब अपने सारे सपने न्योछावर कर देते हैं, ऐसे माँ बाप को ये सिला मिलता है कि उन्हें जिंदगी भर वृद्ध आश्रम में रहना पड़ता है। जरा सोचिए, जो बच्चे अपने भगवान को वृद्ध आश्रम में छोड़कर आ जाते हैं और मंदिरों में माथा टेकते हैं, तो वो भगवान भी क्या सोचता होगा कि इस विलक्षण इंसान के बारे में। वफादारी तो जानवरों से सीखने को मिलती है। अगर आपने किसी कुत्ते को 10-15 दिन रोटी का टुकड़ा डाल दिया तो वो आपको जिंदगी भर नहीं भूलता है। एक जानवर 10-15 दिन में ही आपका इतना वफादार हो जाता है और यह अपने खुद का खून 20-30 साल वफादारी नहीं निभा पाता है। आपने जैसी करनी वैसी भरनी तो सुनी ही होगी, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। एक परिवार जिसमें पति पत्नी दादा दादी और एक बच्चा रहते थे। एक दिन पति पत्नी और वो बच्चा तीनों गाड़ी में बैठकर किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी पत्नी ने दादा दादी से कुछ कहा, मम्मी जी पापा जी हम पार्टी में जा रहे हैं, आप दोनों पास वाले मंदिर में भंडारा है, वहीं जाकर खाना खा लेना। बच्चा ये सब कुछ सोच रहा था, नोटिस कर रहा था। वो तीनों पार्टी में गए, एंजॉय किया, खाना खाया और वापस लौट रहे थे। रास्ते में एक मंदिर से गुजर रहे थे, तभी बच्चे ने पापा को बोल करके गाड़ी को रुकवाया। गाड़ी रुकती है, तीनों गाड़ी से नीचे उतरते हैं। मम्मी पापा ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रुकवाई है गाड़ी? तो बेटा जो बोलता है उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बेटा कहता है, मम्मी पापा मैं बड़ा होकर एक शानदार घर बनाऊंगा, बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, लेकिन मैं घर इस मंदिर के पास ही बनवाऊंगा, ताकि जब मैं अपनी पत्नी के साथ पार्टी में बाहर जाऊं तो आप दोनों को मंदिर का भंडारा खाने के लिए ज्यादा दूर चलकर जाना नहीं पड़े। बच्चे की बात सुनकर माँ बाप सन्नाटे में फैल गए। एक मासूम से लड़के ने उन माता पिता को वो सबक सिखला दिया जो कोई ज्ञानी व्यक्ति भी उन्हें समझा नहीं सकता था। घर जाकर उस पति पत्नी ने अपने माता पिता से माफी मांगी और खुशी खुशी रहने लगे। जीवन में ज्ञान की बातें समय समय पर कोई ना कोई बताता रहता है, परंतु कब किसकी बात समझ आए यह तो
अपने आप पर ही निर्भर होता है।